नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे YouTube के न्यू टू अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, YouTube के दो अपडेट्स आए हैं। एक तो ऐड के रिगार्डिंग्स आया है, जिसको adspod बोल रहे हैं, और दूसरा हमारे स्ट्राइक के रिगार्डिंग आया है। जो हमारी स्ट्राइक आती थी, कॉपीराइट स्ट्राइक आती थी, उसके रिगार्डिंग यूट्यूब के न्यू अपडेट्स आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों अपडेट्स आने के बाद में अब हमें क्रिएटर्स को यानी कि डबल मजा आएगा यूट्यूब के ऊपर काम करने में। और जी हाँ दोस्तों, इन दो अपडेट्स आने के बाद में हम क्रिएटर्स को ज़्यादा मज़ा आएगा यूट्यूब के ऊपर काम करने में, क्योंकि अब हमारे 5 या 5 मिनट्स के ज़्यादा वीडियो के ऊपर हमारे डबल ऐड आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो ऐड पोर्ट बोला जा रहा है उसमें ये होगा कि हमारे 5 या 5 मिनट से अधिक वीडियो बनने के बाद में यूट्यूब उसके ऊपर डबल ऐड देगा। तो पहले क्या होता था दोस्तों, हमारे 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ का वीडियो होता था, तो उसमें हम हमारे एड्स को सेट कर सकते थे, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन हम सेट कर सकते थे। फर्स्ट ऐड तो देता था यूट्यूब अपनी तरफ से, और हम बाकी के बीच में इसमें 2, 3 या 5 एड्स हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते थे। लेकिन अब न्यू अपडेट्स आने के बाद में, यूट्यूब का ये न्यू एड पॉड अपडेट्स आने के बाद में, यूट्यूब पे अगर हम 5 मिनट या 5 मिनट से अधिक थोड़ा सा भी अगर हम वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो उस पर हमें डबल एड्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले हमें उसी वीडियो से इनकम कम होती थी, और अब हमें उसी वीडियो से डबल इनकम होगी, क्योंकि हमारे वीडियोस के ऊपर डबल ऐड आएंगे, तो हमें उससे डबल इनकम होगी। तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, अच्छा अपडेट्स दिया है यूट्यूब ने, बहुत ही खुशी की जानकारी है, क्योंकि हमें उतने ही वीडियोज़ में डबल इनकम हमें प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए, और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। और दूसरा अपडेट्स देखिए यूट्यूब का यह आया है कि अब कॉपीराइट स्ट्राइक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अब यूट्यूब हमें इंटीमेट करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो स्पेसिफिक रीजन के साथ हमें बताएगा। पहले क्या होता था, काफ़ी सारे क्रिएटर्स का ये रहता था कि हमारे को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई, हमें यही नहीं पता कि हमने क्या गलती की है, हमें क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, और उसका रीज़न है वो यूट्यूब हमें नहीं बताता था। यूट्यूब से अगर किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन किया जाता था, तो यूट्यूब हमें यही इन्फॉर्मेशन देता था कि कोई सिक्योरिटी रीजन, यानी कि सम सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हम आपके साथ। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ों का पता ही नहीं लगता था कि हमारे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, क्यों आई है, और उसको हम किस प्रकार से सुधार करें, क्या हम उसमें चेंजेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट टाइम में वो चीज़ नहीं रिपीट हो, नहीं दोहराई जाए। लेकिन अब यूट्यूब क्या करेगा, इस चेंजेस आने के बाद में यूट्यूब अब सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटीमेट करेगा, सारी स्पेसिफिक रीज़न हमें बताएगा कि हमने जो वीडियो बनाया है उसके अंदर हमने क्या मिक्सअप किया है, हमने कोई फोटोग्राफ्स अपलोड किया है, या हमने किसी प्रकार का वीडियोज़ को अपलोड किया है मिक्स करके, या हमने किसी की वॉइस को चुराया है, या हमने कोई म्यूजिक मिक्सअप किया है, XYZ जो भी हमने उसके अंदर गलती करी है, उसका सारा स्पेसिफिक रीजन बताएगा, और हमें वो वीडियोस की वो हमें लेंथ बताएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में हमने इतने समय में हमने ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी दोस्तों, तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम वो गलती को दोबारा ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्पेसिफिक रीजन आपको पता लग जाएगा, तो आप उस गलती को नहीं दोहराओगे। तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि YouTube का ये बहुत ही अच्छा हमारा अपडेट्स आया है, और ये अपडेट्स आने के बाद में अब हमें डबल इनकम होगी। डबल इनकम यानी कि उस वीडियो में पहले हमें जितना मिलता था, उससे अब हमें डबल मिलेगा, क्योंकि हमारे उसी वीडियोज़ के अंदर डबल ऐड दिखाए जाएंगे, तो हमें जो एड्स का पैसा मिलता है वो डबल मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट्स है। और दूसरा हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर आया है। कॉपीराइट स्ट्राइक का पहले हमें ये नहीं कंफर्म हो पाता था कि हमने क्या गलती करी, हमने वीडियोज़ के अंदर म्यूज़िक इस्तेमाल किया है, हमने फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किया, हमने किसी का वीडियो इस्तेमाल किया, या हमने किसी का टैग इस्तेमाल किया, एक्सपायर जो भी हमने इस्तेमाल किया, वो हमें रीजन का नहीं पता लग रहा था, जिसके कारण काफ़ी क्रिएटर्स के तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक आती रहती थी, और काफ़ी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती थी कई बार, कि उनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता था विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन की, और उन्हें ये भी नहीं पता रहता था कि उनकी गलती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये अपडेट आने के बाद में मैं ये मानता हूँ ये
क्रिएटर्स के फेवर में अपडेट है और क्रिएटर्स को इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो हम यूट्यूब के न्यू अपडेट्स इसी प्रकार से आपको बताते रहेंगे और उसका इंटीमेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।